नमस्ते। आज हम आईटी के अंदर जो सेकेंड ईयर में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिकल ग्रुप से संबंधित हैं, उनके लिए ये चैप्टर वेरी इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल ग्रुप में इलेक्ट्रिकल सर्किट सिंबल लेआउट के बारे में पूछा जाता है, तो इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार होता है और जो इंसुलेटर पोल्स पर लगाए जाते हैं उनकी आकृति और उनके नाम आपको याद रखने हैं, और सब स्टेशन का लेआउट कैसा होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिकल ग्रुप जो सेकंड ग्रुप कहलाता है, जिस जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी ग्रुप कहलाता है, इसमें ये 17 ट्रेड्स हैं। इन 17 ट्रेड्स के अंदर जो भी आपकी ट्रेड मैच करती है तो ये टॉपिक आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। इसमें कुल 6 टॉपिक हैं। सेकेंड ईयर का जो मैकेनिकल ट्रेड का ग्रुप है उसमें 22 ट्रेड्स हैं, तो उनके लिए हम चैप्टर का वीडियो हम बाद में बनाएंगे। आज हम इलेक्ट्रिकल ग्रुप का जो संबंधित रखता है चैप्टर पावर डिस्ट्रीब्यूशन उसके बारे में पढ़ेंगे। तो विद्युत शक्ति के उत्पादन एवं उपकेंद्र तक पारेषण के पश्चात विद्युत शक्ति को वितरक एवं उपभोक्ताओं तक पहुंचाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य के निष्पादन हेतु ही विभिन्न प्रकार की विद्युत वितरण प्रणाली उपयोग में लाई जाती है। विद्युत शक्ति को चालक प्रणाली द्वारा विद्युत केंद्रों या उपकेंद्रों से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए वितरण प्रणाली प्रयोग की जाती है। विद्युत शक्ति को पावर स्टेशन पर उत्पादित करके विभिन्न वितरण प्रणालियों की सहायता से वितरक को सर्विस लाइन के माध्यम से पहुंचाया जाता है। तो प्रस्तुत अध्याय में पाठ्यक्रमानुसार विभिन्न इंसुलेटर वितरण प्रणालियाँ और सब स्टेशनों के आरेख समावेशित किए गए हैं। तो सबसे पहले इंसुलेटर, ये एक ऐसे पदार्थ के बने होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, इंसुलेटर कहलाते हैं। शक्ति वितरण में सुरक्षित लाइनों में तारों को क्रॉस आर्म से पृथक रखने के लिए चीनी मिट्टी से निर्मित पॉलिश युक्त इंसुलेटर प्रयोग किए जाते हैं। टाइप ऑफ इंसुलेटर में निकट तथा दूरगामी विद्युत संचरण के लिए सर्वोपरि लाइनों में निम्न प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला है पिन इंसुलेटर। इस इंसुलेटर में सेट लगा होता है जिसका कार्य वर्षा से तार का बचाव करना होता है। इसमें एक बोल्ट या पिन लगा होता है जिसे क्रॉस आर्म के छिद्र में फंसा कर नट से कस दिया जाता है। पिन इंसुलेटर 3 प्रकार के होते हैं। सिंगल साइड पिन इंसुलेटर, इस पिन का प्रयोग सीधी लाइन में कम वोल्टेज की लाइनों में किया जाता है। तो ये सिंगल साइड पिन इंसुलेटर, कभी कभी इसका फिगर पूछ लेते हैं। फिर है डबल साइड पिन इंसुलेटर। डबल साइड पिन वाले इंसुलेटर 650 वोल्ट तक की लाइनों में प्रयोग किए जाते हैं। फिर है ट्रिपल साइड पिन इंसुलेटर, 650 वोल्ट से अधिक वोल्टेज वाली लाइन में प्रयोग किए जाते हैं, ट्रिपल साइड। सस्पेंशन इंसुलेटर, इन इंसुलेटर्स में तार को बिना लपेटे उसके निचले भाग में बने क्लिप में कसने की व्यवस्था होती है। इस इंसुलेटर का प्रयोग
उच्च एवं अति उच्च वोल्टेज लाइन में किया जाता है। अन्य इंसुलेटर की अपेक्षा इनकी लंबाई अधिक होती है। तो ये सस्पेंशन इंसुलेटर है और सस्पेंशन इंसुलेटर का क्रॉस सेक्शनल दृश्य ये दे रखा है। फिर है एग इंसुलेटर। ये पॉर्सलिन से बने होते हैं जिनका प्रयोग विभिन्न मान निम्न व उच्च की वोल्टेज लाइनों में किया जाता है। ये एग इंसुलेटर इस प्रकार से दिखाया गया। फिर है स्टे इंसुलेटर। स्टे इंसुलेटर ये चीनी मिट्टी से बना पॉलिश युक्त एक मजबूत इंसुलेटर होता है। इसका उपयोग स्टे वायर तथा उच्च लाइन वोल्टेज लाइन के जोड़ में किया जाता है। ये देखो ये स्टे इंसुलेटर का तो ये फिगर है और इसको कैसे उपयोग में लिया है इसमें, ये स्टे इंसुलेटर का इस प्रकार उपयोग किया गया। फिर है सेकल इंसुलेटर। ये डबल साइड वाले मजबूत इंसुलेटर होते हैं। इनका प्रयोग सामान्य लाइन के अंतिम खंभे अथवा लाइन में मोड पर अवस्थित खंभे पर किया जाता है। ये सेकल इंसुलेटर की आकृति देख लीजिए। ये डबल सेकल इंसुलेटर का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। विद्युत शक्ति को चालक प्रणाली द्वारा विद्युत केंद्रों या उपकेंद्रों से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की प्रणाली को वितरण प्रणाली कहते हैं। वितरण प्रणाली के मुख्य भाग फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विसमैन्स होते हैं। तो ये भी याद रखना है। अब टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो विभिन्न घटकों तथा कारकों के अनुसार विद्युत वितरण प्रणाली के मुख्य प्रकारों कारक खंड निम्न प्रकार हैं। रेडियल प्रणाली सबसे पहले। रेडियल प्रणाली में सब स्टेशन से प्रेषित विद्युत शक्ति सीधे ही वितरक स्टेशनों को प्राप्त होती है। तो ये रेडियल प्रणाली है। इसका ये सर्किट डायग्राम दे रखा है लेआउट, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद है रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। शक्ति वितरण की रिंग वितरण प्रणाली में एक से अधिक फीडर के द्वारा शक्ति वितरित की जाती है। इस प्रणाली का मुख्य लाभ यह है कि यदि एक फीडर खराब या दोषपूर्ण हो जाए तो अन्य फीडर के द्वारा शक्ति प्रेषित होती रहती है, जिससे सप्लाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रिंग वितरण प्रणाली, इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। तो इसका फायदा क्या है, अगर एक फीडर खराब हो जाए या दोषपूर्ण हो जाए तो इसके जो पैरेलल दूसरा फीडर है वहाँ से शक्ति को प्रेषित किया जा सकता है सप्लाई। फिर आते हैं ग्रिड या अंतर संयोजित वितरण प्रणाली। ग्रिड और इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अंतर संयोजित वितरण प्रणाली में एक से अधिक उत्पाद स्टेशन होते हैं जो कि विभिन्न फीडरों के द्वारा अलग अलग वितरक स्टेशनों से जुड़े होते हैं। इस प्रणाली का उपयोग शहरी क्षेत्रों में अधिक किया जाता है। देखिए ये जी जो है उत्पादन स्टेशन है, डी वितरण स्टेशन है, एफ फीडर है और एस जो है सर्विस मुख्य लाइन है। तो ये ग्रिड वितरण प्रणाली कहलाती है। फिर उपकेंद्रों का आरेखीय अभिन्यास। विद्युत शक्ति को शक्ति केंद्र, पावर स्टेशन से संचरण लाइन ट्रांसमिशन लाइन या फीडर के माध्यम से जिन केंद्रों पर प्रेषित किया जाता है उन्हें उपकेंद्र कहते हैं। सब स्टेशन किसे कहते हैं, जब विद्युत शक्ति को शक्ति केंद्र यानी पावर स्टेशन से ट्रांसमिशन लाइन या फीडर के माध्यम से जिन केंद्रों पर प्रेषित किया जाता है उन्हें उपकेंद्र कहते हैं। सब स्टेशन, सब स्टेशन से ही विद्युत शक्ति को भिन्न भिन्न सर्विस लाइन के द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। मुख्य सब स्टेशन या उपकेंद्र के अभिन्यास निम्नवत आरेखित किए गए हैं। तो ये देखिए इंडोर सब स्टेशन का लेआउट है। इंडोर सब स्टेशन ये पूछा गया है।
इम्पोर्टेंट है। इंडोर सब स्टेशन ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक देखिए। उसके बाद है इंडोर सब स्टेशन का लाइन आरेख, लाइन डायग्राम ऑफ इंडोर सब स्टेशन, तो वो तो लेआउट टाइप का है ये लाइन डायग्राम। इंडोर सब स्टेशन का लाइन आरेख तो ये भी आप अच्छी तरह से देख लीजिए किस प्रकार बनाना है, इसका भी आप आरेख अपने हाथ से खींच कर देखें कॉपी के अंदर। आउटडोर सब स्टेशन का लाइन आरेख, लाइन डायग्राम ऑफ आउटर सब स्टेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऊपर से 132 kV या 33 kV की जो लाइन है मेन शक्ति यहाँ से आ रही है, तो ये आउटडोर सब स्टेशन तक किस प्रकार पहुँच रही है, सर्किट ब्रेकर के द्वारा, TPMO द्वारा, बस बार के द्वारा, TPMO द्वारा, फिर सर्किट ब्रेकर, लाइटिंग अरेस्टर इत्यादि लगाए जाते हैं। तो आउटडोर सब स्टेशन का लाइन आरेख आप अपने हाथ से बनाकर देख लीजिए और इंडोर सब स्टेशन का लाइन आरेख भी आप ज़रूर बना के देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। पोल माउंटेड सब स्टेशन का लाइन आरेख, लाइन डायग्राम ऑफ पोल माउंटेड सब स्टेशन, तो ये भी आप देख लीजिए लाइन डायग्राम ऑफ पोल माउंटेड सब स्टेशन नाम और उसका ये लाइन डायग्राम, इसको भी से देख लीजिए। पोल माउंटेड सब स्टेशन का लेआउट, तो इसके ये लेआउट इस प्रकार है, नियोजित आरेख 5.18 में दे रखा है फिगर, और 11 kV 433 वोल्ट 220 वोल्ट पोल माउंटेड वितरण सब स्टेशन, पोल माउंटेड, पोल के ऊपर माउंटेड है ये, तो इसके ऊपर ये ट्रांसफार्मर किस प्रकार लगाया गया है। स्ट्रीट लाइटिंग है तो स्विच अलग अलग दे रखे हैं, स्ट्रे वायर आ रहे हैं और फीडर 1, 2, 3 के स्विच दे रखे हैं, नीचे एक आइसोलेटिंग स्विच अलग से दे रखा 11 kV 433 वोल्ट से 220 वोल्ट माउथ पोल माउंटेड। अब आता है सब स्टेशन फीडर का एक लाइन आरेख, सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ सब स्टेशन फीडर, वह चालक जिसकी सहायता से अधिक विद्युत शक्ति को सब स्टेशन से वितरित तक पहुंचाया जाता है उसे फीडर का कहा जाता है। सब स्टेशन फीडर का एकल लाइन आरेख नीचे दिए गए हैं, तो ये देखिए सब स्टेशन फीडर का एकल लाइन डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ सब स्टेशन फीडर, इसमें सबसे पहले ये उत्पादन केंद्र, उत्पादन स्टेशन, उसके बाद 220 kV या 400 kV की ट्रांसमिशन लाइन है, फिर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, और फिर ये वितरण ट्रांसफार्मर आगे लगाकर सप्लाई दी जाती है। ओवरहेड वितरण या इंडोर सब स्टेशन की को भी वितरण फीडर्स दिखाए गए हैं। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रेडियल में आप पहले भी मैंने दिखाया था वो सर्किट सारा लगे या ये ले, दोनों में से जो भी लगे आपको बनाना है। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके बाद है ये रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें एक फीडर अगर किसी में दोष आ जाता है तो दूसरे फीडर से सप्लाई सुचारू रूप से प्रारंभ की जा सकती है। फिर है मेटल रेक्टिफायर, ये इसका कंस्ट्रक्शन दे रखा है, सिंबल और सर्किट ये दे रखा है मेटल रेक्टिफायर का। फिर इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर, यह लेआउट डायग्राम है, फिर आपके इमरजेंसी लाइट इन्वर्टर सर्किट, इमरजेंसी लाइट लगाने के लिए जो इन्वर्टर
सर्किट है, घरेलू जो सप्लाई से बाय द वे शक्ति हमें नहीं मिलती है, तो इन्वर्टर के द्वारा ऑटोमेटिक ट्यूबलाइट हम जला सकते हैं, तो उसका ये इन्वर्टर सर्किट है, लाइट इमरजेंसी में काम में ली जा सकती है। ये है आपके लाइन आउटलाइन ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन, आउटलाइन ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन। तो देखिए इसमें ऊपर सबसे पहले 11 kV 3 फेज अल्टरनेटर है, 11 kV 400 वोल्ट ट्रांसफार्मर है, L1 L2 और L3 और N सर्विस लाइन एट पंप हाउस ऑफ नियर बाई कॉलोनी, 11 kV ऑब्लिक 220 kV स्टेप अप ट्रांसफार्मर, फिर ये ग्रिड स्टेशन, फिर सब स्टेशन, फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, फिर लो वोल्टेज सर्विस लाइन, इधर से अलग अलग जगह दी जा सकती हैं। इंडोर सब स्टेशन का बिल्कुल सिंपल लेआउट डायग्राम दे रखा है, तो इसको आप हाथ से बना के लीजिए। इंडोर सब स्टेशन या आउटडोर सब स्टेशन दोनों में से एक सोल्यूशन आ सकता है। ये आपके आउटडोर सब स्टेशन का है, आउटडोर सब स्टेशन का, इंडोर का आसान है, इसमें ये थोड़ा सा ज़्यादा है। ट्रांसफार्मर है, सर्किट ब्रेकर है, फिर आइसोलेटर है, लाइन चेंज ओवर है इसमें, फिर आइसोलेटर है, सर्किट ब्रेकर है, आउटडोर सब स्टेशन। इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, तो पानी से हमें विद्युत शक्ति का उत्पादन करना है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बहुत उपयोगी है। तो इसका ये सिंपल आरेख दे रखा है, जिसमें नोजल से पेल्टन व्हील है, उसके ऊपर पानी की धार व्हील के जो है ऊपर गिरती है, तो ये व्हील घूमता है और फिर इलेक्ट्रिक विद्युत शक्ति उत्पन्न होती है। फिर इस डायग्राम थर्मल पावर स्टेशन, तो ये सिंपल लेआउट डायग्राम ऑफ थर्मल पावर स्टेशन। उसके बाद ये डीजल पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट। उसके बाद ये न्यूक्लियर पावर प्लांट, सिंपल लाइन डायग्राम दे रखा है, इसमें भी टरबाइन है। फिर न्यूक्लियर रिएक्टर, फिर डायग्राम ऑफ सोलर थर्मल पावर प्लांट, ये सोलर से विद्युत शक्ति का उत्पादन। फिर नेक्स्ट है ब्लॉक डायग्राम ऑफ सोलर पावर प्लांट, तो ये बिल्कुल ये सिंपल दे रखा है, सूर्य की जो प्रकाश की किरणें सोलर पैनल पे गिरेगी, डीसी लिंक, फिर इन्वर्टर, डीसी एसी, फिर 3 फेज फिल्टर एंड ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर पावर ग्रिड की तरफ, और फाइबर ऑप्टिक, फाइबर ऑप्टिक तीनों से निकल कर कंट्रोल बोर्ड कम्युनिकेशन कंट्रोल रूम की तरफ जाएगी। ये विंड पावर प्लांट, वायु से विद्युत शक्ति का उत्पादन किस प्रकार होता है, उसका सिंपल लेआउट डायग्राम है। फिर बायोमास प्लांट, बायोमास प्लांट, तो उससे भी बायो गैस बनती है, जनरेट होती है, बायो गैस से भी हम विद्युत शक्ति का उत्पादन कर सकते हैं। ये कुछ सिंबल हैं पावर स्टेशन से संबंधित,
तो ये जनरेटिंग स्टेशन है, ये प्लांट है अनस्पेसिफाइड और इन सर्विस। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टेशन है, थर्मल इलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टेशन है, ये न्यूक्लियर का है, ये जियो थर्मल का है। फिर सोलर एनर्जी स्टेशन है, ये विंड जनरेटिंग स्टेशन है, और ये सब स्टेशन के। तो ये 8 तरह के जितने भी स्टेशन हैं उनके ये सिंबल दे रखे हैं। फिर है टाइडल पावर प्लांट, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टाइप ऑफ अंडरग्राउंड केबल। अब अंडरग्राउंड केबल की संरचना किस प्रकार होती है ये देख लीजिए। पार्ट्स एंड क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ 3.5 कोर बेल्टेड टाइप केबल। और ये है एसएल टाइप केबल। फिर क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ ए सी एस आर कंडक्टर। तो ये विभिन्न प्रकार के केबल के टाइप हैं। फिर क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ बेल्टेड टाइप केबल। फिर ये है एच टाइप केबल, ये लेइंग ऑफ केबल। टाइप ऑफ इंसुलेटर, तो ये इंसुलेटर के माप वगैरह दे रखे हैं और हाफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है। सेक्शनल व्यू ऑफ पिन टाइप इंसुलेटर, सबसे पहले देखिए पिन टाइप इंसुलेटर। फिर सेकल इंसुलेटर, फिर उसके बाद है हाई टेंशन पिन टाइप इंसुलेटर, मेटल कैप सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। सेकल इंसुलेटर का ये सिंपल आरेख है। ये है डिस्क इंसुलेटर, ये है स्टे इंसुलेटर। कैप एंड पिन इंसुलेटर फॉर गॉब स्विच, अनदर डिज़ाइन ऑफ कैप एंड पिन इंसुलेटर फॉर गॉब स्विच। ये स्टे इंसुलेटर का दे रखा है इधर। फिर ये डिस्क इंसुलेटर बॉल एंड सॉकेट टाइप दे रखा है। ये पिन इंसुलेटर का आरेख दे रखा है और चित्र 170 में डिस्क इंसुलेटर टंग एंड क्लेविस टाइप दे रखा है। तो पिन इंसुलेटर विभिन्न प्रकार के इंसुलेटर दे रखे हैं। अब आते हैं डिस्क इंसुलेटर टाइप्स, टोंग एंड क्लेविस टाइप की शक्ल इस प्रकार होती है। बॉल एंड सॉकेट टाइप ऐसा होता है, कोल्ड क्लाइमेट टाइप। तो इंसुलेटर भी विभिन्न प्रकार के हैं। टाइप ऑफ पोल, वुडन पोल हो सकता है, स्टील ट्यूबलर पोल हो सकता है, रेल टाइप स्टील पोल हो सकता है, और कंक्रीट पोल हो सकता है, या स्टील लॉयल्टी सेट पोल भी हो सकता है। ये स्टील लॉयल्टी सेट पोल गलत है। फिर है इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम, इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो पावर का ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार सिंपल आरेख दे रखा है, लाइन डायग्राम बिल्कुल सरल दे। अब टाइप ऑफ टावर्स, सिंगल सर्किट और डबल सर्किट के लिए ये दे रखा है, सिंगल सर्किट और डबल सर्किट के लिए। सिंगल सर्किट होता है इस प्रकार, डबल है तो दोनों तरफ होगा। ये 66 kV स्टील टावर, सिंगल सर्किट डबल सर्किट के लिए है। ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और ये डबल सर्किट के लिए है। सिंगल के लिए एक पहले राइट साइड में है तो फिर लेफ्ट वायर जाएगा वायर, फिर वापस राइट साइड में जाएगा। इसमें दोनों एक साथ, एक इधर एक इधर। टाइप ऑफ सब स्टेशन,
अब देखो सब स्टेशन का जो है सिंपल लाइन डायग्राम दे रखा है। ये पोल माउंटेड सब स्टेशन 11 kV 440 से 230 वोल्ट का, 110 kV लाइन। ग्यारह केवी का ये दे रखा है सिंपल लाइन डायग्राम, सब स्टेशन पोल माउंटेड। फिर ये दे रखा है लेआउट ऑफ पोल माउंटेड सब स्टेशन, ये पोल दो पोल के ऊपर ये सब स्टेशन शो कर रखा है। की डायग्राम ऑफ इंडोर सब स्टेशन, इंडोर सब स्टेशन ये पहले भी देखा था, ये लाइन डायग्राम है। अगर सरल ये लगे तो ये बना लीजिए। आउटडोर सब स्टेशन ये इस प्रकार है, जिसमें एक में खराबी आ जाए तो दूसरे से सप्लाई दे सकते हैं, चालू कर सकते हैं। उसके बाद सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ सब स्टेशन फीडर्स, तो 110 kV इनकमिंग लाइन आ रही है और आउटपुट में 22 kV आउटगोइंग लाइन आ रही है। इधर 110 kV इनकमिंग आ रही है तो 66 kV आउटगोइंग लाइन आ रही है। तो ये सब स्टेशन फीडर्स दे रखा है। फिर 230 kV इनकमिंग लाइन हो तो ये उसके लिए ऐसा 230 kV लाइन को इनकमिंग को 110 kV आउटगोइंग में बनाने के लिए। सी टी क्या है, करंट ट्रांसफार्मर, पी टी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, सी बी सर्किट ब्रेकर, एस सी बी वन एस सी बी टू सेक्शनल लाइट सर्किट ब्रेकर। टाइप ऑफ बस बार अरेंजमेंट, सिंगल बस बार सिस्टम है इसमें, सेक्शनलाइज सिंगल बस बार सिस्टम है इसमें, डबल बस बार सिस्टम है मेन एंड ट्रांसफर बस इसमें, सेक्शनलाइज डबल बस बार सिस्टम इसमें भी। डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल आरेख दे रखा है, फिर रिंग का दे रखा है, फिर ग्रेड का दे रखा है। तो जो सरल लगे बनाइए, पहले भी इसकी फिगर दिखाया था। डिफरेंट टाइप ऑफ लाइटिंग अरेस्टर, हॉर्न गैप अरेस्टर सबसे पहले, फिर पहले टाइप लाइटिंग अरेस्टर, उसके बाद एक्सप्लिजन टाइप लाइटिंग अरेस्टर, वाल्व टाइप लाइटिंग अरेस्टर। सब स्टेशन का जो लेआउट डायग्राम है ये आप अच्छी तरह से देख लीजिए कैसे बनाए गए हैं। सर्किट का लेआउट, लो वोल्टेज सर्विस लाइन नीचे आ रही है और ऊपर 1 kVA 3 फेज, 1 kVA अल्टरनेटर फीडर, 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस मैन आ रही है। 11/220 kVA का ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर, फिर ग्रिड स्टेशन, हाई वोल्टेज सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन, सब स्टेशन 33/11 kVA ट्रांसफार्मर, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन 11 kVA 440 वोल्ट ट्रांसफार्मर, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, लो वोल्टेज सर्विस मैन। फिर है पावर स्टेशन का डायग्राम, ये हमने पहले भी देखा था, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट, इसके बाद यह है डीजल पावर प्लांट, ओवरलोड रिले, वायरिंग डायग्राम फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। बायोमेटेलिक ओवरलोड रिले,
तो ये एक तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले और एक है बायोमेटेलिक ओवरलोड रिले। इनके फिगर आप अच्छे देख लीजिए, पहचान लीजिए इनका आरेख किस प्रकार है। बायोमेटेलिक, इसमें बायोमेटल स्ट्रिप होती है, इसमें रिले कोयल। फिर है सब स्टेशन फीडर का सिंगल लाइन डायग्राम, ये और भी सिंपल है। सब स्टेशन फीडर सिंगल लाइन डायग्राम, ओवरहेड लाइंस चार पोल 21 स्लॉट 42 चालक वाले डबल लेयर वेव वाउंड आर्मेचर का डबल, तो बाद में हो गया, ये नहीं पढ़ना है अभी। ओवरहेड लाइंस, तो ओवरहेड लाइंस तो सबसे पहले एंगल आयरन टाइप पोल, ये ट्यूबुलर पोल, रेलवे लाइन और गार्डनर टाइप पोल, एंगल एंड 40 टाइप टोवा। तो इसमें देखो इंसुलेटर लगे हुए हैं। फिर आरसीसी पोल सिंगल सर्किट, आरसीसी पोल डबल सर्किट, सिंगल है तो थोड़ा गैप है, डबल में दोनों तरफ है। स्टील टावर सिंगल सर्किट के लिए, स्टील टावर डबल सर्किट के लिए। फिर यह वुडन पोल्स, तो हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है, तो इसमें इंडोर सब स्टेशन, आउटडोर सब स्टेशन और विभिन्न प्रकार के जो इंसुलेटर हैं उनकी ड्राइंग आप अच्छी तरह से तैयारी करके जाएं और स्केच बुक में प्रैक्टिस प्रैक्टिस करें। थैंक यू।